नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ सकुशल होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, आज अपने घर पर होंगे और कोशिश करें कि घर में रहने की फिलहाल आदत डालें, क्योंकि स्थिति थोड़ी और लंबी खिंचने वाली है और ये हमारी सेहत के लिए जरूरी भी है। धन्यवाद दोस्तों। आज पूरी दुनिया एक हथप्रभ करने वाला दृश्य देख रही है। यह पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री के आग्रह मात्र से 130 करोड़ की आबादी अपने घरों से बाहर तक नहीं निकली, यानी बिना किसी दबाव और बिना कानून के डर से लोगों ने खुद अपने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह भारत के प्रधानमंत्री के कद की महत्ता को न केवल बताता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि एक व्यक्ति कैसे एक देश को एक सूत्र में बांधे हुए है। दुनिया में ऐसे नेता की दूसरी मिसाल कोई नहीं हो सकती, या यह कहा जाए कि इस वक्त किसी देश की जनता के पास ऐसा करिश्माई नेता है ही नहीं। यकीनन मोदी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, पर मामला यही खत्म नहीं होता। देश को लॉकडाउन करने का यह केवल रिहर्सल मात्र नहीं था, बल्कि अब इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं भी प्रबल हो गई है। दिल्ली मेट्रो कल भी 10 से शाम 4 बजे के बीच बंद रहेगी। कांग्रेस शासित राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 31 मार्च तक पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया है। केरल भी लगभग पूरी तरह लॉकडाउन है। पर्यटन पर आश्रित हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य अपनी सीमाएं सील कर चुके हैं, यानी देशों के बॉर्डर के बाद अब राज्य के बॉर्डर सील किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने सभी प्रांतों से लगती अपनी सीमाएं बंद कर दी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्य भी अब इसी तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब लोग खुद इतने जागरूक हो चुके हैं कि वे न सिर्फ इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि सरकार का सहयोग भी कर रहे हैं। अनेक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर लेकर सहयोग की अद्भुत मिसालें कायम कर रहे हैं। जिन्होंने प्रधानमंत्री को ध्यान से सुना होगा, उन्हें अच्छी तरह से स्मरण है कि उन्होंने देश से कुछ सप्ताह मांगे हैं, जिसका मतलब यह है कि यह स्थिति अब लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि सरकार का यह प्रयोग काफी सफल हो रहा है। वैसे अगर सरकार इस फैसले को आगे बढ़ाती है तो जनता का ऐतराज उसे नहीं मिलने वाला है। जनता तो खुद अपने परिवार और संबंधियों की सेहत को लेकर चिंतित है, इसलिए सरकार को भारी जन समर्थन मिलना तय है। भारत में स्थिति नियंत्रण में है। यहां 350 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें संक्रमण फैला है। इनमें ज्यादातर विदेश से आए लोग या फिर उनके रिश्तेदार हैं। अभी आमजन इससे करीब करीब अछूता है। सरकार द्वारा जनता कर्फ्यू जैसे आग्रह से इस पर काफी हद तक विराम लगने के आसार हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों को एकजुट करने के लिए जिस फंड की घोषणा की थी, उसमें भूटान जैसे देश ने भी $1,00,000 दिए हैं। अफगानिस्तान और नेपाल ने 10-10 लाख डॉलर देने की घोषणा की है। मोदी सरकार पहले ही $1 करोड़ इस फंड में जमा कर चुकी है, जिसके बाद सार्क देशों की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देने में काफी राहत मिलने वाली है। हम सभी की ओर से सरकार से अनुरोध है कि वह देश में अलग से इस तरह का आपदा फंड बनाए, जिसमें देश के समर्थ नागरिक अपना योगदान दे सके। हमारे बीच से बहुत से देशवासी सहयोग की भावनाओं के साथ सरकार की मदद करने को तैयार हैं। उम्मीद कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी जल्दी ही ऐसी कोई घोषणा करके हमें भी देश सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। हम सभी सरकार के हर फैसले पर उसके साथ खड़े हैं। हम मदद करने को भी तैयार हैं। मैं सुरेश कुमार एकलव्य भी सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कोष में समर्थ अनुसार सहायता करने का वचन देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।